सो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब हमें यहाँ पे जीरो निकालना है. सिंपल क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट लेती हूँ. सो ये मुझे गिवन है, पॉलीनोमियल जो है वो है एक्स प्लस 5. तो सिंपली आप एक्स प्लस 5 को जीरो के इक्वल रख दोगे और एक्स की वैल्यू निकाल लोगे. सो यहाँ से अगर मुझे एक्स निकालना है तो वो क्या होगा, यहाँ प्लस 5 है, उधर जाके माइनस, जीरो के साथ माइनस 5 हो जाएगा. सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 5. ठीक है, सो ये हो गया एक्स हमारा माइनस 5. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट पे वी हैव पी एक्स एंड एक्स माइनस 5. सो अगेन एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो रखा, एक्स क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस 5 है, उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा. सो देयरफॉर एक्स आ गया 5. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट पे है 2x प्लस 5, इसको जीरो के इक्वल रखा. 2x यहाँ पे 5 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा. यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो पहले तो यहाँ पे बचा माइनस 5 और इधर आ जाएगा 2. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5 अपॉन 2. ठीक है, फोर्थ पार्ट में है 3x माइनस 2 इक्वल टू रखा 0. सो ये हो गया 3x, अगेन यहाँ माइनस 2 है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 के साथ प्लस हो गया 2 बन गया. x की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 3. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 3x. तो यहाँ पे हमें 3x को 0 के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 0. गॉट इट. सिक्स पार्ट है ax. यहाँ पे बता रखा है कि a 0 के इक्वल नहीं है. सो अगर ax दे रखा है एंड इस पूरे को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x मेरा क्या आ जाएगा, 0 अपॉन a. सो यहाँ से x भी आ गया मेरे पास 0. ठीक है, सो ये था सिक्स पार्ट. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. लास्ट पार्ट है हमारा px equals to cx plus d, जिसमें हम बता रखे हैं कि c और d रियल नंबर है और 0 के इक्वल नहीं है. तो इस पूरे को हमने रखा 0 के इक्वल. अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो ये जो d है इसको यहाँ भेज दो, प्लस का है, इधर जाके माइनस d हो जाएगा. cx से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो गया माइनस d अपॉन c. तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस d अपॉन c. तो ये था हमारा लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का. ऑल्सो दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.